हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खास क्या है, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस मैंने बनाया है, और इस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब ये कैसे बनाया आपको दिखा भी देता हूँ। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है, और ये सतर सेकोर करके हैं, और ये आउट ऑफ इंडिया ही हैं, नाम से पता चलता है। तो इन्होंने पूछा है, ग्रीटिंग माय डियर, फॉर सम टाइम नाउ आई हैव बीन फॉलोइंग सम ऑफ योर क्लासेस एंड दे हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर माय प्रोजेक्ट्स। आई वुड लाइक टू नो इफ यू कैन हेल्प मी इन सॉल्विंग द फॉलोइंग सिचुएशन। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनके पास तीन कॉलम है, और तीनों कॉलम को जैसा कि देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 मैंने नाम दे दिया है, और इनको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मिनिमम वैल्यू ये फाइंड कर सके या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सके। तो इसी तरह की ये वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन व्यू में लेकर के मैंने बना लिया है, और ये प्राइमरी की है। यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और ये डेटा हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कॉलम 2 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फिर कॉलम 3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, अबंडेंट ऑफ डेटा हमारे पास हो जाता है, तो ऐसे में हमें प्रॉब्लम होती है, वी आर फेसिंग वेरी प्रॉब्लम्स। सो हाउ कैन वी सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेट्स नो। ओके, तो यहां पर अभी हमें क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है। तो क्रिएट पे चलते हैं और यहां से बना लेते हैं एक क्वेरी। 2007 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां पर आकर के इसको ऐड करवा लेता हूं। ये ऐड करवाया, हमें आईडी की कोई जरूरत नहीं, 1, 2 और 3 ये ले लेते हैं हम। यहां से क्या करना है, टोटल पे जाना है, ये टोटल पे आ गए। अब हमको यहां पर क्या पता करना है, यहां पर हमें मैक्सिमम पता करना है या मिनिमम। तो मान लीजिए मुझे मिनिमम पता करना है, ठीक है। कॉलम 2 से हमें क्या पता करना है, यहां भी हमें मिनिमम वैल्यू ही पता करनी है। और कॉलम 3 से हमें क्या पता करना है, यहां भी हमें मिनिमम वैल्यू ही पता करनी है। यहां से सिर्फ आपको रन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जादू हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में, ये देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में 33 मिनिमम है, दूसरे वाले कॉलम में 9 मिनिमम है, और तीसरे वाले कॉलम में 1 मिनिमम है, ठीक है। अब ये कैसे है, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर आइए, ये है हमारा पहला कॉलम, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम में 33 मिनिमम है कि नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में 9 है, और तीसरे वाले कॉलम में यहां पे 1 दिखाई ही पड़ रहा है। अब अगर हमें मैक्सिमम निकालना हो तो इसके लिए एक और क्वेरी बनाते हैं। तो यहां से चलते हैं और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं और टेबल को ले लेते हैं, और यहां से सारे फील्ड्स ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है 1, 2 और 3 की। ये आ गए, यहां से ये टोटल पे क्लिक किया, और टोटल पे क्लिक करने के बाद ये ग्रुप वाइज जो आ रहा है, यहां पे जाएंगे और मैक्स पे क्लिक करेंगे। इसमें भी हमें मैक्सिमम पता करना है, इसमें भी मैक्सिमम पता करना है, और इसमें भी मैक्सिमम पता करना है। यहां से रन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी आपके सामने है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां टेबल पे चलते हैं। पहला जो कॉलम है यहां 777 मैक्सिमम है, ठीक है। यहां पर 78 मैक्सिमम है, और थर्ड वाले में 990 मैक्सिमम है, ठीक है। तो सेकंड वाले में देख सकते हैं 678 मैक्सिमम है, और 990 थर्ड वाले में है। तो चलिए एक बार क्वेरी को देखते हैं। तो यहां पर सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो आपको बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कुछ इस तरीके का काम चाहे तो आप कर सकते हैं। अब इन दोनों क्वेरीज को एक सिंगल क्वेरी में कंबाइन करना हो तो यहां से एक नई क्वेरी बना लेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। और हमने क्या बनाया है, हमने 2 क्वेरीज बनाई हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेरीज को पहले हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो यहां से इसको सेव कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको क्वेरी 2 के नाम से करते हैं, इसको क्वेरी 1 के ही नाम से हम कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब इन दोनों को ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। एक साथ लेके आते हैं इन दोनों को। तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और यहां पर आपको क्वेरी देखने को मिल जाएगी। तो दोनों ही क्वेरी हम ले लेने वाले हैं। तो ये दोनों ही क्वेरी हमने ले ली। अब यहां पर मैक्सिमम ऑफ 1 यानी पहले कॉलम का मैक्सिमम ऑफ 2 सॉरी मिनिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला नहीं है। मिनिमम ऑफ 1, मिनिमम ऑफ 2, मिनिमम ऑफ 3, फिर मैक्सिमम ऑफ 1, मैक्सिमम ऑफ 2, मैक्सिमम ऑफ 3, ये तीनों ही आ जाएगा। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने है, यानी पहले कॉलम का मिनिमम 33,
दूसरे कॉलम का मिनिमम 9, तीसरे कॉलम का मिनिमम 1, पहले कॉलम का मैक्सिमम 777, दूसरे कॉलम का मैक्सिमम 678 और थर्ड कॉलम का 990। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।